रामलीला क्लब पटा जाटिया की बहुत पहले से विचार था कि यहाँ पर एक राम मंदिर का निर्माण करवाया जाए, तो यहाँ राम मंदिर का निर्माण करवाया गया है और यहाँ भगवान राम की मूर्ति की स्थापना की है। मूर्ति स्थापना करने से पहले शोभा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में पटा जाटिया के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, हम सबका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर सभी लोगों की मांग थी कि यहाँ राम मंदिर बनवाया जाए, सभी लोगों की इच्छा पूरी हुई और आज यहाँ प्रभु राम की मूर्ति की स्थापना की गई है। यह मूर्ति राजस्थान अलवर से लाई गई है। यहाँ पर प्रभु राम सीता हनुमान की मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई गई है। कलश शोभा यात्रा निकाली गई तथा पूजा अर्चना भी व भजन कीर्तन भी किया जा रहा है। मेरी सभी से अपील है कि स्थापना अवसर पर यहां मंदिर में आए, इसके साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया है। कुलदीप सिंह ने कहा कि पट्टा जाटिया के सभी लोगों को सौभाग्य है कि यहां राम मंदिर का निर्माण हुआ है। आज मूर्तियों की स्थापना भी की गई तथा उन्हें जीवन दान भी दिया गया है। इसके साथ ही बड़े भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। मेरी सभी आसपास के गांवों से अपील है कि वे भी यहां पधारे और प्रभु राम का आशीर्वाद लें तथा प्रसाद भी ग्रहण करें। देखिए, ये पटा जाटियाँ के सभी प्रसिद्धों का बहुत सौभाग्य है कि हमदर रामलीला क्लब पटा जाटियाँ में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और आज मूर्तियों की स्थापना भी कर दी गई है। मूर्तियों को जीवादान भी दे दिया गया है। हवन यज्ञ का कार्यक्रम हुआ है। अभी कुछ ही समय बाद यहाँ पर भंडारा भी आयोजित किया जा रहा है। तो जो भी जनता हमारे इर्द गिर्द पंचायतों के लोगों ने यहाँ पर सहयोग किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप यहाँ पर सहयोग करते रहें और भगवान श्री राम की कृपा आप पर बनती रहे। जय श्री राम। जय श्री। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमदर्द रामलीला बड़े दिनों से एक इच्छा थी कि यहाँ एक राम मंदिर का निर्माण किया जाए। तो राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और आज भगवान श्री रामचंद्र प्रतिष्ठा की गई है। आस पास के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपना भाग लिया। हम उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि वो इस राम मंदिर से भविष्य में। नमस्कार जी। नमस्कार। जय श्री राम। 1984 से आज 2023 तक ये लगातार रामलीला आयोजित हो रही है और यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी मांग, सभी राम भक्तों की मांग है यहाँ श्री राम जी का मंदिर बने। तो पिछले कल यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया और अलवर राजस्थान से यहाँ भगवान श्री राम जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी की, पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्तियाँ लाई गई। रात्रि को विश्राम भगवान शिव जी के मंदिर में दिया गया। कलश पूजन साथ किया गया। कलश पूजन के साथ मूर्ति यहाँ बड़े विस्तृत ढंग से यहाँ पर लाई गई और आज प्रभु श्री राम जी की जो मूर्ति स्थापना दिवस है वो मनाया गया। यहाँ पर हवन और उसका जो शिवादान है वो करवाया गया। अटूट जो लंगर है आज वो 1 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक यहाँ चलेगा। रात्रि को जागरण का आयोजन होगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि रामलीला क्लब पट्टा जाटिया में यहाँ जरूर आने की कृपा करें। जय श्री राम। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए कांगड़ा ब्यूरो से संजीव महाजन की रिपोर्ट।